Mama Wasim and my class 11. My project name is Health and Hygiene and I am from Khalsa Girls Inter College. तो आपकी हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो आपके घर से शुरू होती है कि आप कैसे सफाई रखते हैं, आप दो डस्टबिन रखते हैं नहीं रखते हैं, आप कैसे डाइट लेते हैं, तो ये पूरा उसके ऊपर प्रोजेक्ट है जिससे कि आप इंस्पायर्ड होकर अपनी डाइट पर ध्यान दे सकें। हमने इसमें सबसे पहला पोर्शन बनाया योगा का, जिससे कि आप सुबह उठकर योगा कर सकें। सुबह उठ के आपको सबसे पहले योगा करनी चाहिए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो और आप फ्रेश एयर लेके आप बहुत अच्छे से हो सकें। और सेकेंडली हमने इसमें बनाया है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में पेड़ लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। अपने घर में दो डस्टबिन भी रखने चाहिए जिससे कि घर में कीटाणु बहुत कम आ सकें। तो हमने इसमें हर एक चीज़ बताई है। हमने इसमें 3 टाइप्स ऑफ चार्ट भी दिखाए हैं, जिसमें कि सबसे पहला चार्ट है वीगन डाइट चार्ट, जिसमें कि पटेटो, एविकाडो, मशरूम, कॉर्न, स्पेनिश ये आता है। सेकेंडली हमने इसमें बनाया कम्प्लीट डाइट चार्ट, जिसमें कि फिश, पीट्स, ओट्स, मिल्क, बीन्स और एग एंड वेजिटेबल्स आते हैं। थर्डली हमने इसमें बनाया है वीगन डाइट चार्ट, जिसमें कि एग, चीज़, मिल्क और हनी आता है। हमने इसमें ये भी बताया है आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड ले रही है, तो जंक फूड में ज़्यादा मैदा होता है जो कि आपका ऑपरेशन तक भी करा सकता है। हमें जंक फूड बहुत कम लेना चाहिए। तो जंक फूड में लोग चॉकलेट्स, मोमोज, चाउमीन, नूडल्स ये चीज़ें खाते हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत कम लेनी चाहिए महीने में एक बार, तो हमारी ये ऑपरेशन भी करा सकती है। तो हमने इसमें ये भी बताया कि आपको कौन सा फूड लेना चाहिए डाइट में। तो हमने इसमें डाइट फूड बताया एलोवेरा, नीम, टर्मरिक और जिंजर। एलोवेरा हमारे कैंसर तक को ख़त्म कर सकता है, अगर किसी को कैंसर हुआ तो वो एलोवेरा ख़त्म कर सकता है। तो हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डाइट फूड लेना चाहिए, जंक फूड बहुत कमी से ही यूज़ करना चाहिए। हमने इसमें ये भी बताया कि आपको कैसी एयर लेनी चाहिए। तो एयर का मैं चाहूँगी नम्रा बताएं। हमारे लंच को ख़राब करती है सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करना और सबसे ज़्यादा ड्रिंक करना। तो हमारे लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्रेश एयर लें और सुबह उठ के योगा करें। लंग्स में कैसे एयर जाती है तो वो हमारे इस प्रोजेक्ट में बताया गया है। उसके बाद हमारा आता है स्वच्छ भारत अभियान का भी हमने शो किया है। हमें दो डस्टबिन रखने चाहिए जिसमें एक गीला कूड़ा होता है और एक सूखा। गीले कूड़े में हमारे सारे किचन का आ जाता है और सूखा कूड़ा जो हमारा होता है वो दोबारा से बायोडिग्रेडेबल होता है और वो जाके वो हमारी सॉइल में जाके दोबारा से डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारी सॉइल को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। और जो हमारा ख़राब कूड़ा होता है वो हमारा दोबारा से रीयूज हो जाता है और वो ज़्यादा पिस जाता है। तो हमने ये इस बेस पे बनाया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए इस प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड हों। अगर वो इंस्पायर्ड होंगे तो उनसे और भी लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं। थैंक यू।